नवमा अधिकरण है अपशूद्रा अधिकरण। इसमें सातवां अध्याय में, सातवां अधिकरण में जो प्रमिदाधिकरण नाम से है, शब्दादेव तु प्रमितः, इसके बाद में सूत्र आया था विद्यापेक्षया तु मनुष्याधिकारत्व, वहां अंगुष्ठ मात्र पुरुष का चिंतन है। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष को किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, तो वो अंगूठा का जो माप है वो किसके अनुसार होगा, तो वहां पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप दिया था। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग माप का अंगूठा होता है, तो एक प्रकार कैसे कह दिया कि अंगूठा मात्र पुरुष का जो मात्रा है वो एक प्रकार कैसे निश्चय कर सकते। इसके उत्तर में कहा कि श्रुति का जो भी विधान है वह मनुष्य को अधिकार में रखते हुए, यानी मनुष्य को ध्यान में रखते हुए होता है। इसीलिए यहां भी मनुष्य को ध्यान में रख करके मनुष्य हृदय की अपेक्षा से वो अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। ये सिद्धांत का उत्तर था। तो वहां एक प्रासंगिक विचार उठ गया कि यदि हृदयादि अपेक्षा मनुष्यों की अपेक्षा से है तो मनुष्य से इधर को ब्रह्म विद्या में ये उपनिषद में जिसमें ऐसे ध्यान बताए गए अधिकार सिद्ध नहीं होता है, ये प्रसंग आया। इसलिए भाष्यकार ने वहां ये बोधा दिया कि यहां अब यहां से लेकर प्रासंगिक विचार आरंभ होता है। ऐसा कहा प्रासंगिक विचार का अर्थ ये होता है विषय का स्मरण आ गया और वो अपेक्षित विषय है, स्मृतस्य अपरित्यागत्व, जो स्मरण में आ गया उसका परित्याग नहीं कर सकता है, उसके विषय में अवश्य कुछ कहना हो तो उसको प्रासंगिक कर दे। प्रासंगिक बातों का मुख्य विषय के साथ संबंध नहीं होता है, सीधा संबंध नहीं होता। मुख्य विषय तो यहां ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म में सबका समन्वय दिखाना, ये सृष्टि का समन्वय ब्रह्म में दिखाना और उसमें श्रुतियों की एकवाक्यता, उपनिषदों का तात्पर्य सिद्ध करना, ये इस अध्याय का, ये पूरा अध्याय का विषय है। और उसमें भी ये जो विषय इस पाद का है कि अस्पष्ट ब्रह्मलिंगों में निर्विशेष ब्रह्म है उसके स्वरूप का चिंतन। तो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग निर्विशेष है तो भी ध्यान के माध्यम से उसका जाना जाता है इत्यादि विषय है। तो ये मुख्य विषय है, वो मुख्य विषय से थोड़ा हटकर विचार होने से भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से उसको प्रासंगिक कहा। प्रासंगिक होने के नाते ये देवदा अधिकरण और ये जो अभी अपशूद्र अधिकरण, आठवां और नौवां अधिकरण तीसरा पाठ का, ये दोनों कर्मकांड से संबंध रखता है। यानी कर्मकांड में जो प्रतिपादित विषय है जिसको सिद्ध किया उसका कुछ विशेष विचार और उसके द्वारा यहां निश्चय, तो वहां जो निश्चय किया गया उसको कहां तक मानना है और कहां भेद दिखाना है। तो भाष्यकार ने बहुत ही
सावधानी से और अपने सिद्धांत को बनाए रखते हुए ये दिखाया है। तो ये सारे विषय अब ये दो अधिकरण में जिन विषयों की चर्चा हुई है, ये हमने पहले आपको समझाया था, ये मीमांसा के षष्ठ अध्याय से संबंध रखता है, विशेष करके षष्ठाध्याय का प्रथम पाद। जो षष्ठाध्याय पूरा अधिकार अध्याय है, जिसमें ये पहला पाद है, पहला पाद में अधिकार का विचार वहां होता है, तो उससे ही संबंधित लेकर उसको संबंध लेकर के उसमें जो विचारित विषय है, सूत्र और भाष्यों में विचारित विषय है और जिन युक्तियों को वहां अपनाए हैं उनके आधार पर यहां विचार होता है और साथ में उससे भेद भी प्रकट किया। तो वहां सबर भाष्य आदि में जो भी देवताओं के बारे में कथन है उससे हमारे सिद्धांत में मुख्य भेद यही है कि सबर स्वामी आदि जो प्राचीन मीमांसक है वे तो शब्दमयी देवता है समान, ये उनका वचन है, शब्दमयी देवता, देवता शब्दमयी है, शब्द से अतिरिक्त यानी श्रुति वाक्य में कथित देवताओं का नाम जो स्वाहाकार आदि मंत्रों के साथ जुड़ा रहता है उससे अतिरिक्त देवता का कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा कहते हैं। किंतु सिद्धांत में विग्रहत्वादि को मानकर देवताओं का स्वरूप है, वो स्वरूप ध्यान करने के लिए निश्चित है और उसको मंत्र अथवा इतिहास पुराण और लोक पांच प्रमाणों से स्थापित किया जा सकता है, ऐसा भेद बताया। ये जो भेद है ये मीमांसा से और इसका सिद्धांत में मुख्य भेद है। शब्द को प्रामाणिक मानते हुए भी, शब्द को नित्य प्रमाण सिद्धांत भी मानते हैं, पूर्व मीमांसा भी मानते हैं। वेद अपौरुषेय है ये सिद्धांत मानते हैं, पूर्व मीमांसा भी मानते हैं। वेद का कोई भी शब्द अनर्थक नहीं है ये सिद्धांत भी मानते हैं, पूर्व मीमांसा भी मानते हैं। इसीलिए सभी शब्दों का यथावत युक्ति से अर्थ किया जाना चाहिए ये पूर्व मीमांसा भी मानते हैं और वेदांत भी मानते हैं। ये सब समान और जो कुछ भी व्यवस्था है, जो सृष्टि की व्यवस्था हो या कर्म की व्यवस्था हो, ये सारे वेद से ही सिद्ध होते हैं। जैसा वेद ने कहा वैसा ही उसको स्वीकार करना चाहिए, ये पूर्व मीमांसा की मान्यता है और वेदांत भी उसी को ही मान्यता देते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं। पहले मतभेद तो ये देवता के स्वरूप को लेकर के हुआ और दूसरे मतभेद अर्थवाद को लेकर के। मीमांसक अर्थवाद वाक्यों में जैसे स्तुतियां है, वेद में आई हुई कथाएं हैं, छोटे छोटे कथानक है, कुछ दृष्टांत सदृश वाक्य है, इनको सब मिला के अर्थवाद मानते हैं और अर्थवादों की एक वाक्यता विधि में ही होता है, विधि शास्त्र के साथ ही अर्थवादों का तात्पर्य है। आमनायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थस्य मदर्थानां, ये जो अर्थवाद पाद है द्वितीय पाद, उसमें जो कुछ कहा गया उसी में है विधि नाम, तो एक वाक्य पर बाद में सिद्धांत सूत्र भी और पूर्व मीमांसा में आया। तो इससे स्पष्ट है कि विधि वाक्यों को छोड़ करके जैसे स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि विधि वाक्य है, उसमें निषेध वाक्य भी आएंगे, उनको छोड़ करके अर्थवाद वाक्यों का कोई और तात्पर्य नहीं है, ये पूर्व मीमांसा कहते हैं। वेदांती इसको वैसा स्वीकार नहीं करते,
वेदांति का अर्थवाद वाक्यों का अन्वय करने की विशेष तरीका है, ये भाष्यकार ने ये सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया। वेदांति अर्थवाद वाक्यों का पदों का आपस में संबंध अन्वय मान करके उसके तात्पर्य से विधि को जोड़ते हैं, सीधा विधि के साथ अन्वय नहीं मानते। तो अर्थवाद वाक्यों का परस्पर शब्द संबंध होने पर, अर्थवाद वाक्यों में जितने पद है उनका परस्पर अन्वय होकर के आकांक्षा योग्यता इत्यादि के प्रमाण के माध्यम से होने के बाद में यदि विधि के साथ संबंध रखने के लिए आकांक्षा शेष रह जाती है, फल आकांक्षा यदि रह जाती है, फल कथन यहाँ नहीं है, तो महाप्रकरण को लेकर के पद एक वाक्यता का अन्वय करते हुए, स्तुति या निंदा के माध्यम से अन्वय करते हुए विधि के साथ एक वाक्य को करके अर्थ दिया जाना चाहिए। ये सिद्धांत का विचार, इसमें भी बहुत ही थोड़ा अंदर है, बहुत सूक्ष्म है, वो इतना ही है कि अन्वय विधि के साथ करना है, तात्पर्य ऐसा निकालना है, ऐसा पूर्वपक्षी का कथन है। वेदांति अर्थवाद वाक्यों का स्वतंत्र अन्वय मानकर उसके तात्पर्य से अर्थवाद वाक्यों का भाग जोड़ते, इतना भेद को स्वीकार करना। और फिर मंत्र को लेकर के जो विचार है उसमें भी थोड़ा भेद है। मंत्र को लेकर के पूर्व पक्षी तो ये कहते हैं प्रयोग संवेदार्थ मंत्रा, इतना ही मंत्र का स्वरूप है और कोई मंत्र का स्वरूप नहीं, मंत्र भी स्वतंत्र रूप से अर्थ का ज्ञान नहीं कराता है। तो वहां भी यही विग्रहवत्वादि को लेकर के विशेष अर्थ लगेगा, क्योंकि मंत्रों को उच्चारण करने के बाद में ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो ध्यान करने के लिए जो कहा, ये ध्यान किस प्रकार होगा? यदि मंत्र में कहे हुए देवताओं का स्वरूप बिल्कुल है ही नहीं तो ध्यान असंभव होगा। तो विधि में ध्यान करने के लिए कहा हुआ है, काम देवताम ध्यायेत वशक करिष्यन्, ऐसे वाक्य आया, उस देवता को वशक्कार करते हुए ध्यान करना चाहिए। ये विधि जो ध्यान करने की विधि है ये अन्यथा नहीं होती हुई ये सिद्ध करती है कि देवताओं का एनक प्रकार का स्वरूप होना चाहिए। भाष्यकार ने ये कहा कि यदि स्वरूप नहीं है तो मन में उसकी धारणा नहीं हो पाएगी, मन में धारणा नहीं होने से ध्यान नहीं हो पाएगा। तो ये श्रुत्यापत्ति से, ये श्रुति का अर्थापत्ति से ये निश्चय किया जाता है कि स्वरूप मानना पड़ेगा। अब स्वरूप क्या होगा, इस पर विग्रहवत्वादि पांच माने गए हैं, विग्रह हो भविष्यम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता फल प्रदान पंचक विग्रहादिक, ये पांच को विग्रहादि रूप माने। एक तो देवता का कोई विग्रह होना चाहिए, कुछ स्वरूप होना चाहिए, उस स्वरूप स्थूल ही हो ऐसी बात नहीं है, सूक्ष्म भी हो सकता है, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, या अन्य अन्य रूप में, या मिश्रित रूप में, किसी भी रूप में एक स्वरूप होना चाहिए। तो ये है विग्रहवत्व। विग्रह का अर्थ स्थूल ही लेना, ऐसा अर्थ नहीं, स्वरूप अलग से लेना। और हविषाम भोग, जब हवित का ध्यान किया जाता है तो ये हविष ध्यान में जो भोग होता है देवता स्वीकार करते हैं, ये भावना यजमान की होती है, इसके अनुसार भी हविषों को स्वीकार करना, ये देवता स्वीकार करते हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से हविषाम भोग ऐश्वर्यम च, देवताओं के पास अष्टैश्वर्य है, ये भी इतिहास पुराण मंत्र अर्थवाद आदि वाक्यों से सिद्ध होता है कि अनेक ऐश्वर्य संपन्न होकर के जो जो रूप में ध्यान करते हैं उस रूप में प्रकट होते हैं,
और एक ही देवता अनेक रूप में कार्य विशेष के लिए अनेक रूप में प्रकट होकर के कार्य सिद्ध करते हैं, ऐसे मंत्रार्थवाद आदि वाक्य बहुत सारे मिलते हैं। स्थिति में वो भी मानना पड़ेगा, ऐश्वर्य अष्टाश्वर्य आदि मानना पड़ेगा, और योग शास्त्र आदि का भी उदाहरण लिया, जब योगियों को अष्टाश्वर्य प्राप्त होता है तो उनको क्यों नहीं। इसीलिए इन शास्त्रों को, स्मृतियों को, इतिहासों को मानकर अष्टाश्वर्य भी मान, और ऐश्वर्य प्रसन्नता भी है, ये भी भावना होती है कि जो प्रार्थना करते हैं देवता को प्रसन्न होता हुआ देखते हैं, जानते हैं, प्रसन्नता भी होती है, एक भाव है। और फल प्रदानम, जो कर्म करते हैं कर्म का फल ये देवता देते, ईश्वर से कर्म फल प्राप्त होता है, ये वेदांत का सिद्धांत है, जो पूर्व मीमांसक के विरोध में, पूर्व मीमांसक ये मानते हैं कर्म ही फल देता है, क्योंकि कर्म से एक अपूर्व की सिद्धि होती है, वो अपूर्व फल देता है, अपूर्व से ही वो प्राप्त होता है, अपूर्व नाम के एक विशेष संस्कार यजमान में उत्पन्न होगा, वो अपूर्व फल देगा। तो ईश्वर को नहीं मानते पूर्व मीमांसक कि फलदाता विशेष, इसलिए उसका विरोध होगा। तो ये फल प्रदातत्व भी सिद्धांत भी स्वीकार किया है, आगे एक सूत्र भी आएगा, फलम अतः उपपत्ते है, ईश्वर से ही संपूर्ण कर्म फल को मानना पड़ेगा, सारे कर्म फल ईश्वर से ही प्राप्त होता है, इसे मानना पड़ेगा, जो गीता आदि शास्त्र में आप प्रसिद्ध से जानते हैं। इस प्रकार से ये सारे विरोध में है, इसी कारण से ये विग्रहत्व आदि नहीं होने के कारण ये देवताओं का अधिकार कर्म में नहीं मानते हैं पूर्व मीमांसक, कर्म में देवताओं का अधिकार नहीं है, क्योंकि देवतांतर अभावात् ये दूसरे देवता है ही नहीं। अब इंद्र प्रार्थना करेंगे तो कौन सी देवता की प्रार्थना करेंगे, वो तो अन्य कोई देवता की प्रार्थना तो कर सकता है, लेकिन इंद्राय स्वाहा में इंद्र अपने आप देवता को कैसे प्रार्थना करेंगे, वो स्वयं ही देव है, तो अब वो स्वयं तो प्रार्थना तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो देवतांतर नहीं होने से न देवानाम देवतांतर अभाव, देवतांतर नहीं होने से देवताओं को कर्म में अधिकार नहीं, ये कहा गया, कर्म में अधिकार का निषेध किया पूर्व। अब जो निषेध वहां किया है, वहां का षष्ठाध्याय में प्रथम पाद के लिए विषय है, तो जो वहां निषेध किया उस निषेध को सिद्धांत स्वीकार कर, कर्म में देवताओं का अधिकार, ये ठीक है, इसमें कोई विरोध नहीं, किंतु पूर्व पक्ष वहां ऐसा करते हैं कि कर्म में देवताओं का अधिकार नहीं है तो कर्म वेद से सिद्ध होता है, इसी प्रकार ब्रह्म विद्या भी वेद सिद्ध है, तो ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का अधिकार नहीं है, ऐसा अधिदेश कर देते, यानी कर्म में अधिकार नहीं होने के ही हेतु मान करके, उसके लिए जो हेतु सिद्ध है उनको ही हेतु मान करके ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का अधिकार नहीं है, ऐसा सिद्ध करते हैं। कारण यही है कि ब्रह्म विद्या में या वेद के लिए जो अधिकार होना चाहिए वो अधिकार के मापदंड पूर्व मीमांसा के हिसाब से उनको सिद्ध नहीं, एक तो अर्थित्व, दूसरा सामर्थ्य और तीसरा निषेध का अभाव, और जिसको अपर्युदास बोलते हैं निषेध का अभाव, और तीसरा जो है उपनयनादि, चतुर्थ है उपनयनादि, ये चार होने पर वेद में अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा वही मानते हैं। तो ये चार में देवता को अर्थित्व तो हो सकता है लेकिन सामर्थ्य नहीं हो सकता, और ये निषेध नहीं है ये ठीक है,
लेकिन उपनयन आदि शास्त्र के रूप में इसलिए कर्म में अधिकार उनको नहीं है। तो सामर्थ्य होने के लिए विग्रहवत्वादि होना जरूरी है, विग्रहवत्वादि देवता को नहीं है, इसलिए वो देवता जैसे कर्म में अधिकृत नहीं है वैसे ही ब्रह्म विद्या में भी अधिकृत नहीं है, ये पूर्वमीमांसा का पक्ष। इसके उत्तर में ही ये देवता अधिकरण का पहला सूत्र आया, तदुपरि बादरायण संभवा ये सूत्र आया। इसको सिद्ध करते हुए अंत में भावं तु बादरायणस्य अस्ति तु ऐसा कहा कि बादरायण ऋषि तो ये मानते हैं यद्यपि कर्म में अधिकार नहीं है देवताओं का, फिर भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ब्रह्म विद्या के लिए जो साधन चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, उनको विग्रहवत्वादि मानने पर सिद्ध होता। अब यहाँ जो विरोध है, ये विरोध तो जो का त्यों है। क्या विरोध है कि विग्रहवत्वादि मानने पर सामर्थ्य सिद्ध हो सकता है, लेकिन विग्रहत्व आदि नहीं मानने पर सामर्थ्य सिद्ध नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी विग्रहत्व आदि नहीं मानते हैं, इसलिए उनके लिए ये संभव नहीं है कि देवता के लिए ब्रह्म विद्या में अधिकार मान लिया जाए, क्योंकि सामर्थ्य सिद्ध नहीं होता। सिद्धांत के लिए तो हो सकता है, क्योंकि विग्रहत्व आदि मानते हैं, इसलिए विग्रहत्व आदि मान करके देवता हमें सामर्थ्य सिद्ध करके ये देवता अधिकरण में एक निश्चय किया, ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार। तब ये प्रश्न पुनः आया, ब्रह्म विद्या में अधिकार है तो संपूर्ण ब्रह्म विद्या में एक साथ अधिकार है, सभी का अधिकार है, तो वहां एक पुनः पर्युदास किया, इसको थोड़ा रोका, कहीं कुछ निषेध माना। मधु आदि विद्या है, मधु विद्या नाम की विद्या वैदार्मिक में भी है, छांदों के लिए भी है, लेकिन यहाँ छांदोग्य के मधु विद्या लेते हैं, जो आदित्यो वही देव मधु इत्यादि वाक्य आता है उसको लेते हैं। तो वो जो मधु विद्या है, मधु विद्या में देवता आदित्य है, आदित्य को मधु मान करके ध्यान करने के लिए कहा, ये आदित्य स्वयं नहीं कर सकते और अन्य जितने देवता वहां अग्नि वायु आदि जिनको भी कहे गए है वे देवता भी स्वयं नहीं कर सकते। कारण क्या है कि स्वयं आदित्य आदित्य को ध्यान नहीं करते, ये ब्रह्म विद्या के अंतर्गत है, मध विद्या छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ है, लेकिन इसका संबंध देवताओं से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विरोध होता है। जो देवता ध्यान करता है ज्यादा है वही ध्येय भी नहीं हो सकता है, इस कारण से उनको उसमें अधिकार नहीं मानना चाहिए, ये स्वीकार किया है, इसको मान करके चलो। इसका मतलब ब्रह्म विद्या में शुद्ध ब्रह्म विद्या को छोड़कर ये ध्यान देना चाहिए, शुद्ध ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार को रोकने के लिए कोई कारण नहीं है, ऐसे भाष्यकार ने स्पष्ट कहा। शुद्ध ब्रह्म विद्या को छोड़ करके बाकी ध्यान प्रक्रिया के जितने भी देवता संबंधी ध्यान वाले जितने भी ब्रह्म विद्या के उपासना के भाग है उसमें देवताओं को अधिकार हो सकता है। उसमें जो निर्विशेष उपासना के विषय में जितने भी है, जिसमें देवता को अध्यास से या प्रतीक से मान करके उपासना नहीं है, ऐसे में हो भी सकता है, लेकिन भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से ये कहा, आपने ये सुना कि वो शुद्ध ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का। अब ये सिद्ध हुआ, अब किस आधार पर सिद्ध हुआ, जो पहले चार कारण बताए अर्थित्व, भाष्यकार ने इसको अर्थित्व देकर कहा कि अर्थित्व मोक्ष के लिए अर्थित्व परम सुख की प्राप्ति की इच्छा सभी को हो सकता है, प्राणी मात्र को, इसलिए ये अर्थित्व तो देवताओं में भी संभावित है। और दूसरा जो सामर्थ्य था, सामर्थ्य को विग्रहत्व आदि मान करके ये मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोग इन पांच प्रमाणों के आधार पर, प्रमाण को बहुत विस्तार से किया, पुनः उसका कथन आवश्यक नहीं है, तो वो उन प्रमाणों के आधार पर विग्रहत्व आदि सिद्ध होता है, इसलिए सामर्थ्य भी आ जाता है। और अपर्युदास्तत्व, अपर्युदास्त का अर्थ होता है निषेध नहीं है,
देवताओं के लिए कोई निषेध भी नहीं कहा, ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है ऐसा निषेध कहीं प्राप्त नहीं होता। तो ये दोष होने पर भी यदि निषेध शास्त्र प्राप्त होता है तो निषेध शास्त्र को अपवाद शास्त्र को सबसे बलवान मानते हैं, पूर्व मीमांसा भी मानते हैं, नैयायिक भी मानते हैं, वैयाकरणी भी मानते हैं और वेदांती भी मानते हैं, सभी आस्तिकवादी निषेध शास्त्र को बलवान मानते हैं। मतलब कई चीज कहने के बाद में जो निषेध कहा वो निषेध पर लागू होता है, क्योंकि निषेध में आप जानते हैं निषेध पदान्वय से, एक पदान्वय से अर्थ निकालता है, सभी पदों का अर्थ उसमें नहीं होता है, उसमें जो ना नय लगता है उन ना का ही अर्थ होता है। जैसे न सुराम पिबे, इसका तात्पर्य सुरापान नहीं करना, ये नहीं मनु सुरापान का भाव में उसका निषेध प्रवृत्त होता, पहले सुरापान बाद में उसका निषेध ऐसा नहीं होता, पदे का अन्वय होता। इसी को बलवान मानते हैं, क्योंकि निषेध वहां मुख्य है इसलिए बलवान होता। अब निषेध में भी दो प्रकार के होते हैं, एक परिदास और एक प्रसज्य प्रतिषेध, दो प्रकार का होता है। प्रसज्य प्रतिषेध मुख्य होता है, परिदास कोई विशेष रूप से उसको परिसीमित करके होता है, पर अनेक बताने के बाद कुछ को कर दिया कुछ को नहीं किया उसको परिदास। तो तीसरा जो है परिदास का भाव भी देवताओं को प्राप्त है, सिद्धांत के अनुसार कोई निषेध नहीं है। चौदह है अभी उपनयनादि शास्त्र होना चाहिए, उपनयनादि होने से ही वेद में अधिकार होता है, उपनिषदादि वेद का अंग है, इसलिए उपनयनादि शास्त्र नहीं है उनके लिए, देवताओं के लिए उपनयन का कोई शास्त्र नहीं मिलता तो फिर उनको कैसे होगा ये प्रश्न था, इसलिए उत्तर देता था। उपनयन शास्त्र का तात्पर्य क्या है, उपनयन शास्त्र उपनयन विधि एक संस्कार है, थोड़ा सा संस्कार या संस्कार में एक संस्कार है, ये वो संस्कार का तात्पर्य क्या होता है, वेदारंभ तात्पर्य होता है, वेद अध्ययन करने के लिए उपनयन करना होता है, उपनयन के बाद में वेदाध्ययन संपन्न होता है, उपनयन के बाद में फिर कर्म होता है इत्यादि के लिए उपनयन की आवश्यकता है। तो वेदाध्ययन से लेकर के कर्म प्रवृत्ति पर्यंत जितने भी संस्कार कर्तव्य आचार विचार बताए गए हैं उन सबके लिए उपनयन शास्त्र की आवश्यकता, संन्यस्त होने के बाद ही उपनयन को निकाल दिया जाता है, इसके पहले तक उपनयन शास्त्र विधि के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये वेद के लिए होता है, यानी वेद में कहे हुए कर्मों को करने के लिए या विशेष उपासनाओं को करने के लिए, निष्काम हो सकाम हो कोई भी, उपनयन शास्त्र को सार्थक माना। तो भाष्यकार ने कहा उपनयन शास्त्र का क्या तात्पर्य, उपनयन शास्त्र ये नहीं कहता कि उपनयन शास्त्र होने से ही ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऐसा विधि नहीं मिलता। उपनयन शास्त्र का तात्पर्य वेदाध्ययन से है, तो वेदाध्ययन देवताओं को पहले से सिद्ध है, क्योंकि ये ऐश्वर्यादि संबंध होने से पूर्व जन्म कृत कर्मों का फल वो भी सात्विक प्रदान होकर के रहने के कारण देवताओं को वेद का ज्ञान पूर्व ही सिद्ध रहता है, वेद मंत्रों का पुनः अध्ययन का कोई वहां प्रकार नहीं है, वहां कोई विधान नहीं, जैसे पुराण आदि में भी जहां भी देखते हैं ऐसा विधान नहीं मिलता। तो फिर वेदाध्ययन जब उनको पहले से सिद्ध है, वेद सारे पहले से सिद्ध है, मंत्र सिद्ध है, वो स्मरण कर सकते हैं, उनकी विशेष शक्ति है स्मरण करने की, उस स्थिति में फिर वेदाध्ययन के नाम से या वेदाध्ययन के लिए योग्य बनाने वाले जो उपनयन कर्म है उसका कोई उसकी कोई आवश्यकता, इसलिए वो वेदाध्ययन के लिए जो उपनयन कर्म है वो भी देवताओं का आवश्यक नहीं होने से फिर उपनयनादि शास्त्र भी सिद्ध है पहले से सिद्ध। और ये भी एक नियम है, अब ये प्रश्न यहाँ कोई पूछ सकता है, भले ही देवताओं को पूर्व जन्म आदि में
वेद सिद्ध हो और उसका स्मरण भी हो, फिर भी इस जन्म में देवता जन्म प्राप्त होने के बाद भी पुनः वेद का स्मरण हो जाए, पुनः वेद का अध्ययन हो जाए, विधान हो जाए, क्यों नहीं होता है? तो उसका ये उत्तर है कि सबसे पहले यह है कि वेदाध्ययन का दृष्ट फल माना गया, वेदाध्ययन का कोई अदृष्ट फल नहीं, और वेदाध्ययन एक आचार मात्र के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान है, गुरु के सम्मुख से, श्रीमुख से जो ज्ञान शिष्य को प्राप्त होता है वो तो शिष्य को पहले अप्राप्त रहता और ये प्राप्त कराते, गुरु प्राप्त कराते, तो ये जो प्रक्रिया है इसको वेदाध्ययन कहते हैं। वेदाध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम, ये कहा गया यही परंपरा। ऐसे में यहाँ अब देवताओं को पहले से ही वेदाध्ययन का, वेद का ज्ञान स्मरण में है, तो फिर उनको वेदाध्ययन से दृष्ट फल सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वेदाध्ययन शब्द तो पहले से स्मरण है, तत्त्व अर्थ ज्ञान भी साथ में होगा, दृष्ट फल सिद्ध नहीं होगा। फिर देवता अदृष्ट फल के लिए वेदाध्ययन करेगी क्या? ऐसा कोई अदृष्ट फल का विधान नहीं है वेदाध्ययन, इसीलिए भी उपनयन आदि शास्त्र देवताओं की आवश्यकता है। और यहाँ भी ऐसे सामान्य वेद पाठी ब्राह्मणों के बीच में ये प्रसिद्धि भी है कि जो एक बार आपने गुरुमुख से श्रवण करके, उच्चारण करके हृदिस्थ कर लिए ऐसे वेद मंत्रों का, पुनः अध्ययन या गुरु अध्ययन नहीं किया जाता, उसको मान्यता, उसको उसके लिए मैंने वो कोई आचार शिष्टाचार नहीं मानते। कारण क्या है? आपने पहले अध्ययन कर चुका, वो अध्ययन किया हुआ का पुनः अन्य गुरु से अध्ययन करने को शिष्टाचार नहीं मानते हैं, इसलिए भी पुनः अध्ययन की आवश्यकता देवताओं की नहीं पड़ती। तो कुल मिला के ये अर्थ निकलता है कि देवताओं को वेदाध्ययन का अभाव होने से इस स्थिति में भले वेद का स्मरण स्वतः सिद्ध है, वो अध्ययन पुनः करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा होने पर उनको उपनयनादि शास्त्र का भी विधान नहीं है, वो नहीं होता। उसके बाद से वो नहीं होने से ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं रुका। ये सिद्ध होता है कि उपनयनादि शास्त्र नहीं होने पर भी वो ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार सिद्ध हो रहा, इसलिए शुद्ध ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार। ये है, ये बात को आप ध्यान में। इस प्रकार देवता अधिकरण का एक समग्र रूप मैंने पुनः आपको सुनाया। कारण ये है कि इसमें जो जो युक्तियां आई है उन युक्तियों के आधार पर आपको आगे निश्चय करना। तो इसमें पुनः अभी कोई संशय का स्थान तो है नहीं, देवताओं को सिद्ध हो गया, देवताओं के विषय में संशय था। यहाँ हम फोटो में क्या देखते हैं, इसको देखते हैं, उनका वो डाटा हुआ डाला जाता है, पूजा क्रम में डालते हैं, उसको लेके विचार नहीं है। वो पूजा विधान के अंतर्गत ऐसा माना गया है, वो एक अलग कारण है, अलग प्रकार से उसके विधान होता है। यहाँ तो वो जो वेद के विधान के अनुसार उसके लिए आवश्यक है नहीं आवश्यक है, इस पर विचार किया जाता है। बाकी फोटो में जो कुछ आप देखते हैं वो सारे कुछ देवता में है, ऐसा सत्य नहीं है। तो फोटो तो जैसे आपकी भावना, आप भी फोटो बनाते हैं, चित्रकार है, तो आप अपनी भावना से आप बना सकते हैं, तो उसके लिए कोई किसी को पूछ करके या कोई प्रमाण दे करके नहीं बनाते। अब सारे फोटो प्रामाणिक होगा तो एक प्रकार से होना चाहिए था, अलग अलग प्रकार से मिलते हैं, इसलिए उसको नहीं लिया जाता। कर्मकांड में जिसका विधान है उसका कुछ कारण है, वो कारण के अनुसार उसके लिए वो विधान किया गया है, तत्त कर्म के अनुसार उसको किया जाता है, वो अलग विषय। वो स्मरण रहता है, यही शास्त्र कहता है, मानी जहाँ जो भी उसको स्मरण रहता है। अब देवता को क्या स्मरण रहते हैं वो देवता ही कह सकते हैं, शास्त्र जो कह रहे हैं उसके आधार पर ही हम निश्चय कर सकते हैं। आचार्य ने जो विचार प्रस्तुत किया, मीमांसकों ने जो विचार प्रस्तुत किया, उसके आधार पर हम वेद का विचार कर सकते हैं। अब उसमें अन्य जो कल्पनाएं हैं ये आपकी है, लेकिन उसके लिए यदि कोई प्रमाण मिलता है तो ऐसा ही। तो जब इन सब का स्मरण है तो बाकी का भी स्मरण रहता है, केवल देवताओं की बात नहीं, मनुष्यों में भी कई लोगों को पूर्व जन्म का स्मरण रहता है,
जो भी उनको पूर्वज इनका स्मरण करता है, ये भाष्यकार ने अंत में सब दिखा रहा है, उनको भी पुनः जन्म जन्मांतर का स्मरण होता है, भावी जन्म को भी वो याद करके आगे की भावी के भविष्य जन्म को भी याद करते, पूर्व को भी स्मरण करते, ऐसे सब शास्त्रों में देखा गया, इसलिए उनको रहता है ऐसे मानना पड़ेगा। बाकी जो आजकल जितने जो कुछ कलाकारी आपको आडंबर जो कुछ दिख रहा है पूजा पाठ में या आजकल जो भी हो रहा है, ये सारे वेद प्रमाणित है, वेद से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें कुछ पौराणिक ये भी है, कुछ तांत्रिक विधान भी है और स्मृति के अनुसार विधान भी है, अलग अलग है। वेद से विरुद्ध नहीं होने से वो चलते हैं, विरुद्ध होगा तो बंद हो जाता, यही अंदर है। तो अभी इस स्थिति में ये देवताओं का अधिकार सिद्ध होने पर ये अभी संशय एक यहां आता है। पहले आपने कहा मनुष्य अधिकारा तृतीय अपेक्षा तो मनुष्य अधिकारा, ये प्रमिता अधिकार 3200 सूत्र था। अब मनुष्य अधिकार होने से मनुष्य में सबको एक साथ अधिकार है कि नहीं है, ये प्रश्न। और ये प्रश्न इसलिए भी लाजमी है, इसलिए भी यहाँ प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि पूर्व मीमांसा में यही प्रश्न से वो अधिकरण शुरू होता है, वहां भी ये प्रश्न किया गया कि मनुष्य में अधिकार है तो सबका अधिकार है, तो वहां अधिकारों का विभाजन किया, किसको किसने अधिकार है। इसी प्रकार यहां भी हो गया। अब यहां पूर्व पक्ष आगे भाष्य में आपको कहेंगे, लेकिन वो भाष्य आदि में जाने के पहले हम इसके पूरा जो है एक पूर्व वृत्त यानी पूर्व विचार, एक पूर्व पीढ़िका के रूप में कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो जब तक उसके पूरा आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक हम भाष्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कारण ये है कि ये जो पूर्व मीमांसा के अनुसार जो विचार यहाँ प्रस्तुत हुआ है उसको भी बहुत कुछ नहीं समझने के कारण मैंने पहले बताया, ये अपशूद्र अधिकरण को एक अपवाद के रूप में, एक आक्षेप के रूप में मान लिया जाता है, जो कि गलत है। भाष्यकार यहाँ क्या सिद्ध करना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हुए या उसको नहीं समझते हुए बहुत कुछ आरोप भाष्यकार के ऊपर रखते हैं। कई लोग इस अधिकरण को पढ़ने में पढ़ाना में भी झिझकते हैं, ये कुछ विरुद्ध बातें इसमें है, ऐसी है। इसमें आप देखेंगे इसमें कोई भी बात विरुद्ध नहीं, भाष्यकार कहीं भी शास्त्र के वेद के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा, और अपने तरह से जहां भी हो सके पूरे समाज को एक रूप में समाज की व्यवस्था को सम्यक प्रकार से रखते हुए यानी लोक संग्रहार्थ ही उन्होंने जो कुछ कहे वो बात है, उसके बारे में फिर हम बाद में आपको अंत में बताएंगे। सारे भाष्य वचन और भाष्यकारों के प्रकरण ग्रंथों में जो वचन है इनको उठा करके वो आपको समझाएंगे बाद में भाष्य होने की तरह। लेकिन हम क्यों इसकी पूर्व पीढ़ी का बनाना चाहते हैं, कारण ये है कि एक विवादित विषय है और ये होने के कारण इसमें पूरा ये जो विषय है जिस पर लोग विवाद करते हैं, जो लोग विवाद करते हैं कोई भी इस अधिकरण को सम्यक प्रकार से अध्ययन भी नहीं किए, और ये अधिकरण कैसे आया इसके पूर्व अपर ज्ञान भी उनको नहीं है। जितने लोग इस पर बात करते नए टीका टिप्पणी आदि के साथ जो विस्तृत जानकारी उनको होना चाहिए वो नहीं, ये जितने बात करते हैं इसके ऊपर आक्षेप करने वाले सारे जो पाश्चात्यों ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ करके रट करके या उसी को ही प्रमाण मानकर बोलते जाते हैं, और जो कोई लिखे हैं इसके बारे में वो उनको पूरे हमारे मतलब भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान हो और वेद विधान कैसे होता है, वेद में ये वर्णाश्रम आदि की व्यवस्था क्या है, इसका क्या तात्पर्य असली में, ये सब नहीं आता क्योंकि उनको संस्कार नहीं है, हमारे कल्चर का नहीं है, संस्कार का नहीं है, तो कैसे जान सकते हैं, ऐसे किताब पढ़ करके तो नहीं समझते। जैसे हमारे संस्कार को अन्य एक संस्कारी पूरी तरह किताब पढ़ के नहीं समझ सकते, उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ रहते हुए पाश्चात्य होकर किताब पढ़ेंगे तो उनका संस्कार नहीं समझ पाए, कोई भी नहीं हो सकता। उस संस्कार में जीवित रहना पड़ेगा, उस संस्कार के साथ
बचपन से उसी के साथ आचरण करते आना पड़ेगा और वेद के विषय तो बहुत ही दूर है, बहुत ही विशेष विषय। तो इसीलिए हम कहेंगे, समझाएंगे आपको कि ये वेद किस से कहां से प्रवृत्त होता है और क्या इसका तात्पर्य है, क्यों अलग अलग व्यवस्था बनाई और उन पर आचार्यों का क्या मत है, और केवल ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था यही है कि और भी कहीं है, और भी जो भी धर्म है अन्य धर्मों में भी वो है या नहीं, इसका भी उदाहरण देंगे और इसका कुछ वैज्ञानिक हेतु भी बताएंगे। और इसके लिए आप मानसिक रूप से कहे या शारीरिक रूप से कहे, जो जो होगा उसके भी हेतु है, और सामूहिक मैंने ये समाज में उसका जो परिवर्तन होता है सोशल डेवलपमेंट, उसमें इसका क्या रोल है, और यहाँ इस बात को विशेष रूप से ला करके क्या विशेष सिद्ध करना चाहते हैं। यहाँ तो यही सिद्ध करना चाहते हैं चारों वर्ण को ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में अधिकार है। जिन वर्णों को वेद से वो ज्ञान सिद्ध है, वो वेद सहित पुराण इतिहास सहित वो ज्ञान को प्राप्त है। जिस वर्ण को वेद से वो सिद्ध नहीं है, वो इतिहास पुराण स्मृति आदि को प्राप्त करके उसी ज्ञान को प्राप्त करे, ये यहाँ निर्णय होना। किंतु वो निर्णय तो बाद में आपको मालूम हो जाएगा, उस पर पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेद ये विभाजन क्यों करता, वहां से शुरू करेंगे। क्योंकि विभाजन किया है इसलिए यहाँ प्रश्न ये सारा खड़ा हो जाता, तो विभाजन करने का क्या कारण, विभाजन क्यों किया होगा, और वेद हमारे लिए उपादेय है तो क्यों उपादेय है, ये जानना चाहिए। जानने से मालूम हो जाएगा, हम वेद को प्रमाण मानते हैं इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, वेद को प्रमाण मानते हैं तो उसके सारांश को भी जानना पड़ेगा। और एक बड़े समाज में एक व्यापक रूप से लोग अलग अलग काम करते हुए अपने जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे समाज में विभागीय व्यवस्था के बिना, मन अलग अलग व्यवस्था दिए बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकता। एक फैक्ट्री चलती है, वो फैक्ट्री में यदि आपको कार्य करना है तो वहां सब तरह के लोग चाहिए, कोई मैनेजर बन के बैठेगा, कोई डायरेक्टर बन के बैठेगा, कोई वहां इंजीनियर होगा, कोई मध्यस्थ कार्य करने वाले प्यून और जो बाबू आदि रहते हैं वो रहेंगे, और कोई जो है वहां सेवा करने वाले भी होंगे, सामान पहुंचाने वाले भी होंगे, और बाहर से काम करने वाले भी होंगे, अंदर से काम करने वाले भी रहते हैं। ये सारे मिलने से ही आप एक फैक्ट्री को चला सकते हैं, छोटे से फैक्ट्री को चला सकते। उसमें यदि सारे को समान बना दिया जाए फैक्ट्री नहीं चलता, नहीं चल सकते, सभी इंजीनियर है सभी इंजीनियर का ही कार्य करेंगे तो फैक्ट्री नहीं चलती। और सबको समान वेतन दिया जाए ये भी नहीं चलता, समानता की बात तो हम करते हैं लेकिन वेतन हम अलग अलग देते हैं और अधिकार अलग अलग देते हैं, व्यवस्था अलग अलग दी जाती है, क्यों? तो जब सभी ने पढ़ के आया सभी को समान होना चाहिए तो कार्य अलग अलग करे कोई बात नहीं, लेकिन समान रूप से वेतन बता दी जाए। आईएएस ऑफिसर भी हो या पीयून भी हो, कोई भी हो, ठीक है उन्होंने उतना ही पढ़ा, ये इतना बड़ा पढ़ लिया, लेकिन कार्य तो दोनों समाज राज्य के लिए देश के लिए कर रहे हैं, तो देश सेवा के समान रूप से उसको भी 50,000 दो दो, तो इसको भी 50,000 दो, समान रूप से वेतन हो, ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका तात्पर्य यह है, इसका अभी और विस्तार करेंगे, क्योंकि ये केवल मनुष्य में नहीं है, ये अन्य प्राणियों में भी वो है, सारे समाज मैंने सृष्टि में प्रपंच में ऐसी व्यवस्था, ये व्यवस्था भगवान ने बनाई रखी। तो एक राज्य में भी एक स्थान में भी हम सबको समान मान करके नहीं चला सकते, आप समान ड्रेस पहना सकते हैं, यूनिफॉर्म पहना सकते हैं, और समान रूप से चलना फिरना उठना बैठना सिखा सकते हैं, लेकिन जो अंदर की असमानता है उसको आप दूर नहीं कर सकते। एक को कितना भी समझाओ समझता नहीं, दूसरा तो जल्दी समझता है, बुद्धिमान है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले अलग अलग प्रकार से होते हैं, एक ही गुरु से अध्ययन करने वाले अलग अलग प्रकार से होते हैं, उनको अलग अलग फल होता है। ये तो मैंने विभाग मान करके ही, विभाग तो है यहाँ, विभाग को कोई नकारात्मक दृष्टि से नहीं कह रहे, विभाग तो आवश्यक इसलिए है कि
कार्य को सिद्ध करने की। वो किसको कैसा मान लिया जाए, किसको बड़ा छोटा मानना, ये तो आपके दिमाग की कीड़ा है, जो जैसा आप मानना चाहते मान सकते, लेकिन विभाग को आवश्यक। ये केवल हमारे संस्कृति में नहीं, अन्य संस्कृतियों में भी इस प्रकार से। अब वेद को, वेद की वेदता को आप जानते, प्रत्यक्षेण अनुमानेन एस्तुभायो न विद्यते एदम विन्दन्ति वेदेन तस्मा वेदस्य वेदता। ये है वेद का वेदत्व। वेद को वेद क्यों मानते, वेद शब्द से हम यहाँ शास्त्र को भी लेंगे, संपूर्ण स्मृतियों को, सबको साथ में लेके विचार करना। वेद की वेदता यह है कि वेद आपको सब कुछ देना चाहता है। सब कुछ का मतलब आप जितने पुरुषार्थ चाहते हैं सारे पुरुषार्थ को देना चाहते हैं, और आप जन्म से लेकर के शुद्ध रूप परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करते रहते। कई लोग ये जानते भी नहीं है कि किसके लिए जी रहे हैं, ये भी इनकी जानकारी में नहीं होता। बाकी तो बातें बहुत करते हैं, उनको पूछो कि क्या उद्देश्य से जी रहे हो, उनको बोल नहीं पाते, बोलते हैं पैसा कमाने के लिए जी रहे, ये करने के लिए, वो करने के लिए, बोले तो वो सब नहीं है। परम उद्देश्य जो है सुख का। अब वो सुख का स्तर बढ़ते जाना चाहिए और बढ़ते बढ़ते एक अंतिम स्थिति पे पहुंचना चाहिए जहां से आगे सुध की बढ़ोतरी नहीं है, ऐसे स्थिति पे पहुंचना। ये इच्छा एक प्राणी की रहती है और मनुष्य में विशेष करके प्रकट है। इसके कारण वेद तो उसी के लिए प्रवृत्त होता है, आपको परम सुख प्राप्त कराने के लिए। वेद कहीं किसी में विघटन बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, कोई समाज को अलग अलग करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, कोई प्राणी को द्वेष करने के लिए प्रयत्न नहीं होता, किसी को ऊपर नीचे स्तर में दिखाने के लिए प्रयत्न नहीं होता। ये सब उद्देश्य न वेद का है, न वेद सम्मत आचार्यों का है, न हमारे शिष्टाचार में है, न ही हमारे संस्कृति में। हमारी संस्कृति का सबसे उत्तम देन है ये अद्वैत ज्ञान, एकात्मता। वो जो एकात्मता है वो वेद का सार। जब वह वेद का सार है तो उसको विरुद्ध करते हुए वेद कैसे प्रतिपादन कर सकता है। यह तो निश्चित है किसी प्रकार से कोई राग द्वेष के राग द्वेष उत्पन्न करके विघटन उत्पन्न करना वेद का तात्पर्य है। अब आप सुख चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं, तो सुख चाहते हैं तो पहले अनेक अनेक प्रकार के सुखम को चाहिए, तो सुखों का एक स्तर बना देते। बनाने के बाद में आप चिंतन करना शुरू करता है, मुझे वो सुख कैसे होगा, मुझे अन्नादि सुख चाहिए, भोजन की सुख चाहिए वो कैसे होगा, शारीरिक सुख चाहिए वो कैसे होगा, और अन्य प्रकार के सुख चाहिए, अलौकिक सुख चाहिए वो कैसे होगा, मैं अधिक से अधिक खेती कैसे कर सकता हूं, मैं अधिक से अधिक बड़ा राजा बनकर के महाराजा कैसे बन सकता हूं, इत्यादि सारे आप जितने भी आप देंगे वो सारे सुख की इच्छा आपको एक एक रहती है। ये सारे सुख तो एक काम से प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए अलग अलग कर्म बताना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। अन्य सुख जिससे प्राप्त होगा उससे तो दूसरा सुख प्राप्त नहीं होगा। तो अन्न आदि के लिए अलग व्यवस्था, वस्त्र आदि धन आदि संपत्ति के लिए अलग व्यवस्था, गौ आदि के लिए अलग व्यवस्था, तो सबके लिए व्यवस्था करें। यानी आपकी इच्छा है, आपका पुरुषार्थ है, ये जो सुख की इच्छा, अलग अलग प्रकार की इच्छा, उसको वेद पूरा करने की कोशिश करता है। आप पूछेंगे क्यों वेद कोशिश कर रहे हैं, हमको तो ऐसे ही इन्हें मिल जाता है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है, हम प्राप्त कर लेंगे, वेद के पीछे जाने की क्या जरूरत, सब वहां ये प्रवृत्त होता है। जो प्रत्यक्ष और अनुमान से आपको प्राप्त नहीं होता है जो उपाय, वो वेद बताता है। आप जन्म लिए, आपको अन्न प्राप्त हो रहा है, जो भी खाने को मिल रहा है आप खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो फिर कोई आप वेद के पास जाएगा तो आपको अन्न कहां से प्राप्त होता है, खेती से प्राप्त होता है। जब किसान खेती करेंगे या आप स्वयं खेती करेंगे तो उससे
अन्न आदि प्राप्त होता है। खेती किए बिना अभी कहीं से अन्न लाने का कोई वैज्ञानिक पद्धति, कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक हुआ नहीं, कोई अन्य प्रकार से नहीं ला सकते, किसी न किसी प्रकार से खेती तो करना ही पड़ेगा। तो खेती से आपको अन्न प्राप्त होता है, तो खेती में जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपके पास बीज है, आपके पास खेती करने के लिए जमीन है, जमीन उपजू है, उपजी जमीन है, सब कुछ ठीक है, पानी की व्यवस्था है, आपने करने के सामर्थ्य है, सब कुछ कर रहा है, आपने खेती शुरू कर दी। लेकिन खेती शुरू करने के बाद में कुछ दिन के बाद में पानी नहीं रहने पर, यानी पानी का अभाव हो गया, तो पानी का अभाव होने से अब क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि पानी के बिना खेती होना संभव नहीं, पानी के लिए कुछ न कुछ उपाय आपको करना पड़ेगा। और सबसे सहज उपाय यही है कि वर्षा से पानी आए, वो पानी को खेती के लिए इस्तेमाल किया, ये तो सबसे बाकी तो नदी आदि यदि निकट में है तो नदी आदि से ले सकते हैं, कुएं से ले सकते हैं, अन्य अन्य उपाय से ले सकते, लेकिन ये कुछ भी उपाय नहीं है। जैसे पहाड़ आदि में होता है जहाँ अन्य उपाय नहीं रहता है तो वर्षा से ही किसान खेती करते हैं, ऐसे में अब बाकी सब कुछ आपके पास है, खेत है, बीज है, आपके पास सामर्थ्य है, सब कुछ है, होने पर भी जल के अभाव में किसान खेती नहीं कर सकता। ये उपाय अभी जल कहां से, वर्षा को कहां से लाए, ये आप सोचने पर आपका कोई भी लौकिक उपाय वहां काम नहीं करता। वर्षा लाने के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से कुछ काम नहीं करता, अनुमान पर कहां काम करेगा, अनुमान का भी कोई प्रयोजन। तो प्रत्यक्ष अनुमान दो उपाय से आप पानी को, वर्षा को नहीं ला पाए, वो आपके हाथ में है नहीं, प्रत्यक्ष उपाय से कैसे वर्षा करें। तब क्या है, आपको खेती करना है, अन्न पाना है, आप सुख पाना चाहते हैं, हमारे पास भूरी मात्रा में अन्न हो, भरपूर अन्न भंडार हो, ये आप चाहते हैं, किंतु प्रत्यक्ष उपाय वहां नहीं हो रहा है, अभी वर्षा नहीं हो रही, आप भड़कने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करेंगे क्या करेंगे, मैंने इतना सा परिश्रम किया, अभी वर्षा नहीं हो रही, हमारा खेती बिगड़ जाता है, ऐसे परिश्रम व्यर्थ हो जा रहा है, ऐसे ऐसे आप रोने पीटने लगते हैं, तो कोई कुछ आकर के एक उपाय बताते, देखो भाई एक उपाय है, ऐसा ऐसा करने पर ये जो है हवन होता है वो, उसमें जो है कुछ आहुतियां डालनी पड़ती है, और ऐसे ऐसे करने पर जो है वो हो जाता है, बारिश आ जाती। अब ये जिसको कुछ भी सहारा नहीं, परेशान है, वो कोई भी कुछ कहेगा तो करने में लगता है, जो उसको तो अपने स्वार्थ सिद्ध करना है, वो सुख पाना चाहते हैं, अन्न आदि पाना चाहते हैं, वर्षा लाना चाहते हैं, तो किसी ने कहा तुम ऐसे उपाय अपनाओ तो आपको वर्षा आ जाएगी, किसी ने कहा, शायद वो कोई पूजा पाठ करने वाले कोई वैदिक रहे होंगे, कोई मंदिर में कोई रहे हो, उन्होंने ये समझाया या किसी अन्य ने समझाया, वो ढूंढने लगे कि कैसे होगा ये कार्य कैसे होगा, ये तो हम पहले जानते नहीं कैसे करना है, तो वहां जाके आप आदमी को ढूंढते हैं कौन ये जिसका जानकार, जैसे आप कोई बीमार होते हैं तो डॉक्टर को ढूंढने, वैद्य को ढूंढने जाते हैं, इसी प्रकार वो भी ढूंढने जाता है, ढूंढने जाते हैं तो उसको एक आदमी मिल जाता है, वो बोलता है कि मैं करा सकता, कराने से ये एक यज्ञ नाम का है, वो क्रिया ऐसे करने से हो जाए, तो आप ऐसे ऐसे सामग्री एकत्रित करो, ऐसी ऐसी व्यवस्था करो, और उन सामग्रियों से हम ये करवा देते, तो वो ये करवा देता है, करवाने के बाद में हफ्ते भर में जैसे भी समय निश्चित है उस हिसाब से वर्षा हो जाती है। अब एक बार ऐसा हो गया, वर्षा हो गई तो खेती हो गया, फल हो गया, तो प्रसन्नता हो गई, प्रसन्नता होने पर उस कर्म में उनका विश्वास हो। अब ये जो वर्षा लाने के अलौकिक उपाय है, जो कारीरी नाम के यज्ञ है या अन्य प्रकार से जो वृष्टि के लिए यज्ञ किए जाते हैं, ये सारे यज्ञों से जो भी हो, ये अलौकिक उपाय, ये तो लौकिक में प्राप्त नहीं है, वर्षा लाने के लिए अलौकिक उपाय को अपनाता है। अब जो है इस प्रकार के आप एक एक देखो, एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे ही आपके जीवन में जो जो परेशानी आते, जिसको पुत्र नहीं है वो बहुत परेशान हो जाता है, पुत्र नहीं है तो क्या करें, तो पुत्र कामेष्टि करना। अब आप उस प्रकार वेद के पास जाते हैं, और जब आप इस प्रकार जाएंगे
तो वेद का कुछ निश्चय रहता। जैसे अभी डॉक्टर से दवाई लेना है, दवाई लेने के लिए दवाई खाने के लिए कुछ परहेज करना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो कब उठने के लिए बोलता है, कब करने के लिए बोलता है, तब करना पड़ेगा। कोई कोई चीज खाने के लिए बोला तो वो खाना है, कोई नहीं खाने के लिए बोला तो नहीं खाना है। ये सारा पालन करना पड़ेगा, तभी आपका वो दवाई खाने का फल निकलेगा। इसी प्रकार वेद भी कहता है, और कुछ नहीं है। वो बोलता है कि आपको ये फल चाहिए, ये फल चाहिए तो ऐसा करो, सुबह उठो, संध्या वंदन करो, फिर इस प्रकार से आचरण करो, ऐसा नियमों का पालन करो, उठना बैठना सोना सब कुछ व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करके अपने को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, फिर ऐसे पाठ करो, ऐसे विचार करो, ये सब बोलता है। सारे जितने भी विधि और प्रतिषेध है ये सारे लागू हो जाता है। और हमको सुख की इच्छा है, पुरुषार्थ की इच्छा होने से हम उन सब को पालन करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। हम इधर उधर सोचेंगे नहीं, जो भी वो बोल रहा है पालन करना है। जैसे बीमार है, अभी प्राप्त करना है, इच्छा है। आप अभी भी देखिए, आपकी कोई इच्छा है, वो इच्छा को कोई पूरा करने के लिए, आपको मदद करने के लिए आता है, वो धोखेबाज हो सकता है। होने पर भी वो जो कुछ बोलेगा वो सारा कुछ आप करता है। बाद में धोखे में पड़ेगा, बाद में मालूम होगा। तो उस प्रकार से ये अर्थ, मतलब इसका तात्पर्य ये है कि उसकी क्या प्रामाणिकता है, क्या वो सच है कि झूठ है, कुछ नहीं देखता। आप तो उसके अर्थ ज्ञान चाहते हैं, उससे आपको प्रयोजन चाहिए। तो प्रयोजन के उद्देश्य से आप वेद बुझा, वेद में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वैदिक बुझा। वेद इस प्रकार से सारी व्यवस्था को बिल्कुल समुचित ढंग से करके रखा कि कौन किस प्रकार कैसे होगा, ऐसे आप वेद में प्रवृत्त हो। ये वेद की उपादेयता को मैंने सरल भाषा में बता दिया। इस प्रकार वेद उपादेय हो गया। उपादेय होने के बाद क्या है कि आप एक प्रकार से इसको मानने के लिए तैयार होके वैदिक हो गए, तो वेद में जो कहा है वैसा पालन करना पड़ेगा, तब फल होगा। इसलिए वेद बार बार कहता है कि इसका यदि आप ये कोई भी कर्म है उसका अंग नहीं करेंगे तो फल नहीं होगा, ये कहता। और उसका उद्देश्य क्या है कि हमको पूरा संस्कृत करता है ना, उसका उद्देश्य हमको संस्कारवान बना देना, कल्चर बना देना, शिष्ट बना देना, ये उद्देश्य। उससे क्या होगा कि हम स्वाभाविक कर्मों बंधनों से, स्वाभाविक जो हमारी आसक्तियां है उससे हम ऊपर उठ जाएंगे, और जिस सुख को हम हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं उस सुख के ओर हम बढ़ेंगे। इसके लिए वो आवश्यक होता है, क्योंकि आपको तो तात्कालिक सुख से तृप्ति तो है नहीं, इसलिए तो बार बार आप अलग अलग करते हैं, अलग प्रयोग करके उसको बदलते रहते हैं। क्योंकि जो सुख आपको प्राप्त हो गया उसमें ही आप तृप्त हो गए, तो आगे तो आप कर्तव्य नहीं करेंगे। प्रतिदिन आप भोजन कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन उसी प्रकार भोजन की इच्छा होती है। प्रतिदिन नींद हो रही है, फिर नींद होने की इच्छा होती है। आपको धन मिल रहा है, फिर धन प्राप्त करने की इच्छा होती है। सब में आप देखिए अधिक से अधिक आप प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और इससे वो व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि अधिक से अधिक प्राप्त करके कहीं ना कहीं एक तो परम सुख को प्राप्त करे। अब वो एकाएक प्राप्त नहीं होता। वेद तो ये जानता है कि ये सुख तो इसके अंदर है, और वो जनाता भी है, ज्ञान दिलाता भी है कि तुम्हारे अंदर ही वो सुख है, किंतु वो व्यक्ति, वो जो साधक, उसको प्राप्त करने के लिए अभी क्षमता नहीं है। कारण क्या है, उसके मन ये स्वाभाविक कर्मों से, यानी आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो इसमें संबंधित जो कर्म है उसको स्वाभाविक कर्म कहते हैं। स्वाभाविक कहने का मतलब प्राणी मात्र जिसको लेकर के जिया करते, तो स्वाभाविक कर्म वो आप में अंदर भी है, तो उसमें आप फंस जाए, उसमें बाहर नहीं आ पाएंगे। और वो आहार निद्रा भय मैथुन जो स्वाभाविक कर्म है, ये स्वाभाविक कर्म राग द्वेष से युक्त करने के लिए आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई वेद की आवश्यकता नहीं, शास्त्र की आवश्यकता नहीं, कोई स्कूल में कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वाभाविक से हो जाता है, प्राणी होने के जन्म मात्र से हो जाता है। उससे आपको परम सुख प्राप्त नहीं होगा, आपका जो सुख प्राप्त हो रहा है वो परिच्छिन्न रहेगा, ये तो सभी का अनुभव है।
आज तक जो भी देख रहे वो उसी में आहार इंद्र भय मय से तो अदृप्त ही रहता है। तो वेद आपके ऊपर ये कृपा करता है, ये भाव से बताता है कि ऐसे तुम्हारे जीवन अतृप्ति से व्यतीत करके नष्ट करने के लिए नहीं है, तुम्हारे अंदर ये बुद्धि है और ये सामर्थ्य है कि तुम उस अधीन्द्रिय सुख विशेष को इस शरीर में यही अनुभव कर सकते हो और जन्मांतर में भी अनुभव कर सकते हो, इस शरीर के ये बंधन से मुक्ति को पा सकते। अब उसको पाना है तो ये स्वाभाविक कर्म को व्यवस्थित करना पड़ेगा। मन माने उठे, जब नींद खुल गए उठ गया, फिर शौच करने गए, फिर आ गया, फिर किया। ये तो प्राणी मात्र बंदर आदि को भी नहीं होता, बंदर आदि जो प्राणी होते ये भी ऐसे नहीं करते, मनमानी नहीं उठना बैठना होता, उनका भी टाइम होता है, टाइम से होते टाइम से मनुष्य तो उसी स्थिति में पहुंचे। और आहार कहीं भी कोई भी कुछ मिले, जो मनमानी लगा वो बना के खा लिया। आजकल फंड के लिए खाते, तमाशा के लिए, खाने की कोई इच्छा नहीं है, वो जाते हैं वो मजा के लिए कुछ भी करते, वो पार्टी करते, ये करते वो करते, वो सब खाना है ऐसे मान लिया, जैसे जो जो चीजें है। तो ये इसमें क्यों व्यवस्थित नहीं है, ये अव्यवस्था है, यानी जब आपको लगे जैसा चाहे वो करे, तो आपकी बुद्धि का क्या काम है, कोई काम नहीं। तो इच्छा आगे कर खानी, और खाने के बाद में परेशान हो रहे, बात अलग है, परेशान हो रहे, अपने शरीर को खराब कर रहे, मन को खराब कर रहे, बीमार हो रहे, सब कुछ हो रहा है, उसके लिए दवाई भी खाएंगे। वेद यहाँ करुणा भाव से कहता है, देखो भाई तुम्हारे लिए ये उचित अन्न है, ये वो अन्न को खाने पर आपके शरीर में ऐसे ऐसे बुरे असर नहीं होगा, शरीर मात्र नहीं मन में ये असर नहीं होगा, मन तो ऐसे ऐसे बदलेगा और ऐसे बदलने से ही तुम वो परम सुख को प्राप्त कर सको। ये जो ज्ञान अनादिकाल से है, ऋषियों के द्वारा स्वानुभूत है, इसीलिए इसमें कोई दोष आने की, अप्रमाण होने की संभावना नहीं। ये तो आपको पहले अधिकरण के विचार करते हुए आपको बता दिया, हम वहां भी जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा, तो संक्षेप में वेद का पौरुष ही माना। अब जो वो ज्यादा जानना चाहते हैं हमारे इसी देवता अधिकरण में, अतएव नित्यत्व ये जो सूत्र आया है, उस सूत्र पर हमने जो विचार किया उसको जान सकते हैं, फिर विचार करते हैं क्या रहता है। अब उस दृष्टि से माना गया है, शब्द को लेकर के है, हर एक शब्द का जो अर्थ में तात्पर्य ला करके इसको सिद्ध किया, ये तो देवताधिकरण। इसीलिए अब वो वेद कहता है कि आप इस प्रकार से अन्नपान, आहार, निद्रा और भय, भय जहां से होता है भय का निवारण करने का प्रयास, भय मृत्यु से सबसे बड़ा भय है और मृत्यु भय के आधार पर सभी कुछ भय, सारे भय को केंद्रित करते रहता है, और इसीलिए वो भय के आधार पर आपको शत्रु से भय होता है और जहां से दुख होने की संभावना है वहां से भय होता है, चारों तरफ भय ही भय है, असुरक्षा की भय होता है, शरीर में रोग होने का भय होता है, धन आदि नहीं होने का, दरिद्र होने का भय रहता है, आदि आदि बहुत सारे भय रहते हैं। तो ये जो सारे भय है, ये भय भी हमारे अंदर भी है, ऐसे ही भय बंदर आदि का, ये प्राणियों को लगेगा कि आप उसको कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे, उसको पीड़ा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो कुछ नहीं करता। उसको यदि मन में आएगा कि ये मुझे कुछ करने आ रहा, तभी वो आपको ऊपर अटैक करते। अब आपको ऊपर अटैक करने से आपको भय होता है, उसको भी भय होता है, आप पहले उसको भय दिखाते, उसका तो स्वाभाविक है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि ये तो खेल रहा है हमारे से, कभी कभी वो भी समझता है अब कैसा खेलता है, वो भी तो परिचित होने पर समझता है, लेकिन एकाएक नहीं समझता। जो पहला दर्शन होता है, पहला जो संबंध होता है, उसमें कोई भी दूसरे को नहीं समझ सकता, एक मनुष्य भी दूसरे को मनुष्य को नहीं समझ सकता, कैसे समझेगा, कोई भी शत्रु है कि मित्र है कि दूत है कि क्या है, वो धोखेबाज है कि सच्चा आदमी है, क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, तो बंदर आदि पक्षी आदि कैसे समझेंगे, नहीं समझेगा, धीरे धीरे परिचय होने पर समझेगा। अब जैसे बंदर आदि आप दिखा देंगे, आप हाथ ऐसा करेंगे, ऐसे उनका हाथ दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, आप चुपचाप जाओ उसकी तरफ देखो ही नहीं, आप अपने काम करते रहो, अपने काम करते, वो आकर के कुछ करेगा, उसको आपको अटैक करके कुछ मिलने वाला नहीं,
वो अपने स्वाभाविक कर्म के कारण, स्वाभाविक जो शरीर आसक्ति है उसके कारण आप कर रहे हो, उसको शरीर की रक्षा करने की इच्छा है, स्वाभाविक है, उसके लिए आप कर रहे हैं और उसी के लिए ही आप उसको भी मार रहे हैं। दोनों आप जो कर रहे हैं, आप उसको क्यों पिटाई करने जा रहे हैं, उसको क्यों भगाने जा रहे हैं? क्योंकि आप देखता है ये बैठेगा मेरे ऊपर वार करेगा तो मुझे दुख होगा, पीड़ा होगा, ऐसे करके आप ये स्वाभाविक भय हो। और मैथुन, मैथुन मैंने प्रजनन उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन कर्म होता है और मैथुन कर्म ही सभी प्राणी को स्वाभाविक, किसी को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं, मनुष्य भी करते अन्य प्राणी और उसको भी व्यवस्थित करते, क्योंकि ये सब स्वाभाविक कर्म में आता है। इसलिए आप थोड़े संस्कार को, गर्भाधान आदि संस्कार को देख करके, ये सब उसी की व्यवस्था, गर्भाधान आदि संस्कार से लेकर के सब कुछ व्यवस्थित। तो देखिए वेद कितना अद्भुत है। और इसके साथ ये तो आपके पुरुषार्थ की बात होगी, जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो आपको इस इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए किस स्थान में जीवन चलाना चाहिए, किस प्रकार से चलाना चाहिए, कौन सी व्यवस्था के अनुसार चलाना चाहिए, और ये दुनिया, ये जो प्रपंच कैसे बना, ये प्रपंच का सत्य क्या है, ऐसे विचार करते 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 बहुत बहुत कुछ विचार करते। ये सब ये चार पुरुषार्थ के अंदर केंद्रित है और वो मुख्य रूप से जो मोक्ष पुरुषार्थ है, जो एकात्म ज्ञान से अद्वैत ज्ञान से प्राप्त होगा, उसमें केंद्रित है। अब एक बात देखिए, आपके अंदर जब स्वाभाविक कर्म बलवान होते हुए प्रवृत्त है, वो स्वाभाविक कर्म में कोई भी अति उत्कट रूप से प्रवृत्त है, शांत नहीं है, आहार वगैरह भाव वेदना आदि की जो इच्छा आदि आदि राग द्वेष इत्यादि सब आता है, तब उस स्थिति में आप कभी भी निरतिशय सुख का चिंतन व्यापक रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको विरोधी बहुत है, आप इसको अलग से ही जानते हैं, इसको स्वीकार करने में आप अक्षम है, आपका मन उसमें काम नहीं करता। अब सबके अंदर एक ही आत्मा विराजमान है, सबके अंदर एक ही भाव विराजमान है, सब लोग ये स्वार्थ कर्म के कारण, स्वाभाविक कर्म के कारण प्रवृत्त हो रहे हैं, ये सब औपाधिक है, शरीर संबंध से आया हुआ है, बाकी तो चेतन रूप से हम एक है, ऐसा चिंतन तब तक आप नहीं कर सकते हैं जब तक इन स्वाभाविक कर्मों की प्रवृत्ति में आप लगे रहते हैं, इनकी आसक्ति रहती है, तो वहाँ भेद भाव का ही चिंतन होता है, अभेद का चिंतन नहीं होता। ये द्वैतमिव भवति तदितर इतरम पश्यति तदिर इतरम विघ्रति, उसके बिना सोच ही नहीं सकते। किंतु एक व्यक्ति में ये जो रूढ़ है वो अपने मन जन्म से ही आजन्म नैसर्गिक सिद्ध है। अब ये नैसर्गिक गुण को बदलना इतना आसान नहीं, नैसर्गिक गुण को एक जन्म में नहीं बदला जा सकता, जन्म जन्मांतरों की आवश्यकता है, लेकिन इस जन्म से इस समय आप उसके लिए प्रवृत्त हो सकते, इसलिए वेद उसको लेके प्रवृत्त, माने ये बहुत दूर तक जाते हैं। आप जितने परिचिन्न भाव से एक समाज को, एक शरीर को, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के फायदा को देखते हैं, ऐसा नहीं देखा जाता, वो कोई दृष्टि नहीं होती, व्यापक दृष्टि से वेद चिंतन करता, भूत का भी चिंतन करता है, भविष्य का भी चिंतन, और भाग्यवश यानी भगवान के जो सृष्टि के विशेष माध्यम होने के कारण हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर ये सहज है कि वो भविष्य और भूत दोनों को मानता है और दोनों पर चिंतन विचार कर कार्य करता है, अन्य प्राणियों में इतना ये प्रकट नहीं, कोई कोई प्राणी थोड़ा बहुत भविष्य की चिंतन करते हैं, लेकिन इतना प्रकट, और जो भूत में घटित घटना से वो कुछ सीखता भी, इतना तो होता है, लेकिन भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को सामने सामने रखकर परस्पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करके कोई भविष्य के लिए उचित निर्णय लेने का कोई वो सामर्थ्य, बुद्धि सामर्थ्य अन्य प्राणियों में सामान्य रूप से नहीं देखा गया। इसीलिए वेद क्या कहता है कि कर्म में अधिकार मनुष्य को ही है कहता, इसका कारण ये अन्य जीवी में यह भावना उत्पन्न करना संभव नहीं, वो मनुष्य में उत्पन्न,
इसका यह अर्थ नहीं है कि वेद मनुष्य पर परिसीमित है, ऐसा नहीं है। मनुष्य इसके लिए कार्य करता है, मनुष्य इसका एक मुख्य अंश है, मनुष्य को माध्यम बना करके वेद प्रवृत्त होता है, ये सब ठीक है। लेकिन वेद ने सभी प्राणियों को अपने अपना स्थान दिया, वेद ने प्रपंच के सारे परिणाम प्रक्रिया को स्थान दिया, वेद ने आपकी सारी इच्छाओं को सम्मानित किया और वेद ने आपके सारे इच्छित फलों को प्राप्त कराने के लिए मार्ग बताया। यहाँ तक आप कोई शत्रु को मारना चाहते हैं उसके लिए भी मार्ग ये करता है। ये सब कुछ बताता हुआ साथ साथ में एक वेद ये भी कहता है कि आपको ये करने पर ये हानि है, ये फल ये बताता है। सब कुछ हित में ही बताने पर आप स्वीकार करेंगे ऐसा नहीं। कभी कभी जैसे सेनयाग आदि है, तत्काल में तो शत्रुवध फल मिलेगा लेकिन भविष्य में आपको पाप मिलेगा, फिर पाप का प्रायश्चित करना, तो पहले से वेद कहता है में दोष है, ये दोष को जान करके क्योंकि बलवत अनिष्ट संयोगित्व भी कर्म का एक कारण बता। बलवत अनिष्ट का संयोगी नहीं होने पर आप कर्म करते हैं। अब यहाँ बलवत अनिष्ट है ये भी बताता है, माने आपको सावधान भी करता है, जगह जगह स्थान स्थान पर सावधान और उत्कृष्ट को बताता है। देखो कठिन से कठिन है वो रास्ता, कठिन से कठिन आपको तपस्या करनी पड़ेगी लेकिन वो प्राप्त हो गया तो आप हो जाएंगे, आपको सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। यह आत्मावाद आत्मा इत्यादि से तरदिशोगम आत्मविद आदि मंत्रों से उसी को। इसलिए देखिए अब वेद ने किस बात को छोड़ दिया, किसी बात को नहीं छोड़ा। आपको जो कुछ चाहिए, मनुष्य समाज को जो कुछ चाहिए सबको ले करके चला, इसलिए वेद पूरे पूरा उपादेय हुआ। उपादेय होना एक बात है और उसको समझ करके उपादेयता को मान करके आचरण करना दूसरी बात, ये पहला विषय है। वेद को स्वीकार करना चाहिए। अब वेद को स्वीकार करने वाले को क्या करना चाहिए, जैसा मैंने वैद्य का दृष्टांत दिया इसी प्रकार वेद को प्रमाण मानना चाहिए। और वो भी कैसा करना चाहिए, कहीं कोई संशय हो गया कुछ हो गया तो वेद अनुसृत स्मृतियों को प्रमाण मानना और उसके अनुसार शिष्टाचार को प्रमाण मान, ऐसा मान करके आगे। अब देखिए यहाँ एक मुख्य बात है उसको बोल के आज यहाँ समय हो गया। वेद हमको संरक्षण दे रहा है, वेद हमारे लिए सब कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, यानी चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों दे रहा है। और धर्म तो सबका आधार है, ये आपको बताएंगे व्यवस्था कैसी दृष्टि, व्यवस्था का मूल तो धर्म है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दे करके आपको पूरे तृप्त करने के लिए वेद प्रवृत्त है, इसमें कोई संशय नहीं, उसमें किसी को भी बाहर नहीं रखा गया। वेद ने सबको अंदर लिया, इसलिए मैंने बोला मनुष्य पूरे को अंदर लिया ही है, उसके साथ में अन्य प्राणियों को भी तक कुछ बताया, उसको उनके लिए भी कुछ सम्मान करने के लिए कहा, क्योंकि मनुष्य को माध्यम बनाने के कारण मनुष्य के साथ उनका संबंध रह करके ही कहा, जो कुछ कहा पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ है। वेद आजकल पर्यावरण की रक्षा की बात हो रही है, पर्यावरण की रक्षा के बिना किसी भी की भी रक्षा नहीं है, ये वेद जानता था। इसीलिए आपको संरक्षण देना चाह रहे हैं, आपको सबसे उत्तम बनाना चाह रहे हैं, तो पर्यावरण भी उसके साथ में रक्षित होता। अब आपको वेद रक्षा कर रहे हैं, आपका यह दायित्व तो बनता है कि वेद को हम रक्षा करें। आपको वेद रक्षा कर रहे हैं तो वेद की रक्षा जिस प्रकार हो तो आपका कर्तव्य उसकी रक्षा भी होती है, क्योंकि उसको बनाए रखेंगे तभी तो आगे पीढ़ी में आने वाले के लिए ये सब जानने को करने को मौका मिलेगा। यदि वो नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपने उसको इधर उधर कर दिया, वेद का ज्ञान तो नीचे है ये बात ठीक है, लेकिन उससे समाज को जो हानि होगी, व्यवस्था से जो हानि होगी और संस्कार से विरुद्ध चलने से जो हानि होगी उसका उसकी पूर्ति कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि एक संस्कार एक कल्चर तैयार होने में हजारों हजारों साल लग जाता है, एक नहीं किया जाता।
क्यों? आप जानते हैं कि ये जो संस्कार में आया हुआ जो कुछ है वो हमारे जीन में चला जाता है, हमारे डीएनए में चला जाता है, इसको बदलना बहुत दूर की बात है। ये बात भी हम बताएंगे, तो आज यही रखते हैं कि वेद की उपादेयता और वेद के संरक्षण, वेद हमको संरक्षण करने के लिए कहता है, इससे अधिक और कुछ नहीं करता, और इसलिए हमको वेद की संरक्षण करने की जरूरत है, उस दृष्टि से ये व्यवस्था बनाएगी। और भी ये बातें जितने हैं वो निकालने की है, और पूर्व मीमांसा का भी जो विषय है, जिस क्रम से यह अधिकरण आया वो देखने पर आपको और कुछ स्पष्टीकरण होंगे, ऐसी बात को भी दर्शाया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दश्यते पूर्णस्य।